बरमूडा ट्रायंगल, रहस्य की हकीकत। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर चाहकर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं रहस्यों के ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं। लेकिन फिल्मों और असल जिंदगी में बहुत अंतर होता है। असल जिंदगी की बात करें तो दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके। इन्हीं रहस्यों में से एक बरमूडा ट्रायंगल भी है, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर यह भी दावे किए गए हैं कि यहां हजारों की तादाद में जहाज डूब गए, और यहां पर दिशा दिखाने वाले कंपास भी काम नहीं करते, और तो और यहां हवाई जहाज भी उड़ नहीं सकता। अगर हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो एकदम से गायब हो जाता है। अब वो हवाई जहाज कहां गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता। बरमूडा ट्रायंगल बेहद हिंसक और अप्रत्याशित तूफानों के लिए जाना जाता है, जो तेजी से बनते और अपने आसपास की चीजों को तहस नहस कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सुन के आपके मन में भी बरमूडा ट्रायंगल की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही होंगी। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर यह बरमूडा ट्रायंगल कहां स्थित है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक पौराणिक खंड है, जो मोटे तौर पर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जहां दर्जनों जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं। इनमें से कुछ दुर्घटनाओं में जहाज और हवाई जहाज अस्पष्ट परिस्थितियों में गायब हो गए, जिनमें से एक में नौसेना के बम वर्षकों के एक स्क्वाड्रन के यूएस पायलट क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी थी, और उसके बाद वो विमान कभी नहीं मिला। इसी तरह नाव और विमान क्षेत्र से बिना संकट संदेश दिए एक अच्छे मौसम में गायब हुई थी, जिस वजह से यह बरमूडा ट्रायंगल और भी ज्यादा खौफनाक बन गया। वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल धीरे धीरे ढलान वाले महाद्वीपीय शेल्फ से एक अत्यंत गहरे ड्रॉप ऑफ की ओर बढ़ता है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में दुनिया की कुछ सबसे गहरी खाइयां पाई जाती हैं। इन गहरी खाइयों में डूबने वाले जहाज या विमान शायद दोबारा कभी मिलेंगे। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी सिरे से लगभग 5,000 वर्ग मील महासागर को कवर करता है। यहां तक कि पिछले एक दशक से इस बरमूडा ट्रायंगल में 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमूडा ट्रायंगल की खोज करने वाला जो सबसे पहला इंसान था, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र के माध्यम से रवाना हुए, तो उन्होंने बताया कि आग की एक बड़ी लौ, शायद एक उल्फा, एक रात समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और कुछ हफ्तों बाद एक अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अनियमित कंपास रीडिंग के बारे में भी लिखा कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसी के बाद कई सालों तक कुछ वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर शोध करना शुरू कर दिया, और फिर सालों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में यह तर्क दिया कि
यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से जो भी जहाज इस रास्ते से जाते हैं वह रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में बरमूडा ट्रायंगल को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन फिर सन 1945 में हुई एक घटना ने सबका ध्यान बरमूडा ट्रायंगल की ओर खींच लिया। दरअसल सन 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल के द्वारा पता चलता है कि उनके विमान का कंपास काम नहीं कर रहा है और फिर अचानक से विमान का संपर्क टूट जाता है और उन विमानों में मौजूद लोग उस दिन के बाद आज तक वापस लौट के नहीं आए। हालांकि उस समय इन विमानों के बचाव कार्य में 3 और विमानों को भेजा गया था ताकि पता चल सके कि विमान में मौजूद 14 लोग कहां गए, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए जब इन 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। वहीं बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने शोध से यह दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल अपनी ओर भारी चीजें खींच लेता है। उसके पीछे की वजह है बादलों की हेक्सागोनल शेप, क्योंकि बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं, जिस वजह से 170 मील यानी करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं पैदा होती हैं। और जब यही हवाएं और बादल आपस में मिलकर जहाज या हवाई जहाज से टकराते हैं तो उन्हें भी एयर बम की वजह से खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं, और इसी वजह से जो भी जहाज और एरोप्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाता है वह कभी भी जिंदा बच के वापस नहीं लौट पाता। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।